इकबाल ने भी कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए प्यार करना है, अगर नाराज़ होना तो वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होना, अपनी ज़ात के लिए ना होना कभी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत करो हज़रत एक दूसरे से, बड़ी ज़रूरत है मोहब्बत की हज़रत, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें। आज तुम किसी का पर्दा रख लो, कल वो तुम्हारा रख लेगा, क्योंकि दिन तो आने वाला है ना, जिसके लिए अल्लाह खुद कहते हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। जिसको हम अपने कागज़ों में छुपाए बैठे हैं वो तेरे कागज़ों में छुपा है, लेकिन उससे कोई नहीं छुपा हुआ है, वो तेरे कागज़ों में छुपा है लेकिन उससे नहीं छुपा कोई भी, उसको पता है। इसलिए हज़रत जी यही हमारे बड़ों, जितना अल्लाह की मखलूक से प्यार करोगे उतने तुम पे फजल होता जाएगा। दीन सीखो, दीन समझो। जिंदगी बहुत आसान थी, हमने दीन ना सीख के बड़ी मुश्किल कर ली है। हर बंदा हजरत ये पक्की ना गिरा बांध लो, और इस गिरा को रोज ना जरा टाइट करते रहा करो। हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, गाफिल ना होना, हम सारे कमराए इम्तिहान में बैठे, हर एक के अलहदा अलहदा सवाल है, मेरे सवाल अलहदा हैं, आपके सवाल अलहदा हैं, उस भाई के अलहदा हैं, उस भाई, लेकिन बैठे सारे कमरा इम्तिहान में। किसी को हजरत वो दे के आजमा रहा है, किसी को ना दे के आजमा रहा है, लेकिन ख्याल रखना हजरत बैठे सारे कमरा इम्तिहान में, ना दे कोशिश ज़रूर करना, लेकिन कुछ इस तरह का ना करना कि जवाब गलत हो जाए, और सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। मेरे बच्चे ना अक्सर ए बाबा आप हमें पार्क नहीं लेके जाते, ठीक है जी, लेके जा भी सकता ना मैं, फिर भी ना लेके जाता, जो माहौल है पार्कों का तो मैं ज़ाहिर लेके जा ही नहीं सकता, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार बेटा मेरी बेटी हो, ये सोच के सब्र कर लो, अब जन्नत जाके सैर करेंगे, हैं कुछ ना ना मिले तो ये कह के सब्र कर लेना, जन्नत में ले लेंगे जाके, लेकिन पुत्र कुछ इस तरह का ना करना कि जवाब गलत हो जाए, जवाब सही करना, क्योंकि अद दुनिया मजरा उल आखिरा, जो लिखेगा जो बोएगा वही काटेगा, उसी का अजर मिलेगा तुझे। और जिस जिस को अल्लाह ने दिया है भाई, कमरा इम्तिहान में बैठे हो, इसको अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना है, इसको अल्लाह की मखलूक पे खर्च, हाँ वो आजमाएगा। ये तफ़सीर रूहुल बयान में लिखा है, दो सहाबी थे, तो दोनों ना किसी पहाड़ पे बैठे हुए थे, तो एक सहाबी दूसरे सहाबी को कहते हैं भाई इस तरह ना करें, इस पहाड़ से ना छलांग लगा के अल्लाह को आजमाते हैं, भला हमारा अल्लाह हमें बचाता है कि नहीं बचाता। जो दूसरे सहाबी थे ना वो ईमान में मारिफत में उनसे थोड़े ज़्यादा थे, तो आगे से कहते हैं भाई वो अल्लाह है, हम बंदे हैं, बंदे नहीं रब को आजमाते, रब बंदों को आजमाता है। हाँ तो ये आजमाइश है मेरे बच्चों, दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, दे तो ज़कात खुशी से बेटा, दे तो सदका, दे तो खैरात, दे तो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, ना दे कोशिश ज़रूर करना, जो मुस्तफ़ा करीम ने तरीका बताया ना उसके मुताबिक कोशिश ज़रूर करना, लेकिन कुछ गलत ना करना। ये चार दिन की ज़िंदगी है, कुछ ना हो तो दिल को ये कह के तसल्लियाँ दे लेना, आप जन्नत में कर लेंगे जाके जन्नत। अरे देखो ना हमारे महबूब तो माल के कौनैन थे, फिर भी किसी चीज़ को इख्तियार नहीं फरमाया। महबूब ने भूख इख्तियार की, महबूब ने फ़कीरी इख्तियार की, है माल के कौनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे। स्पेशल जितने नौजवान बैठे बेटा, अगर कभी को मामला बन जाए तो अपने महबूब के उन पत्थरों को याद कर लेना, कि तेरे पास तो है ही नहीं ना, महबूब के पास है था, महबूब ने फिर भी पसंद नहीं फरमाया।
मेरे पास तो है नहीं ना, मैंने कोशिश भी की, मैंने जिद्दोजहद भी की, नहीं मिल सका। महबूब के तो पास था सारा कुछ, लेकिन महबूब ने पास होने के बावजूद भी उसको इख्तियार नहीं फरमाया। लेकिन कुछ गलत ना करना है, कम ना तोलना, मिलावट ना करना, धोखा ना देना, रिश्वत से बचना, सूद से बचना है इस वक्त इस दौर में बड़ा मुश्किल काम, लेकिन ये है कि कुछ इस तरह करना करना है। और हमेशा इस बात को याद रखना कि मैं कमरा इम्तिहान में बैठा हूँ, अलर्ट रहना, तैयारी करना, क्योंकि वो दिन करीब आ रहा है, वक्त गुजर रहा है जब रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। और आपको पता है ये इस तरह नहीं होना कि हर बंदे को अकेले अकेले बुला के उसका रिजल्ट दिखाया गया, नहीं नहीं है। जो जो मैंने किया ना, मेरी बीवी भी खड़ी होगी, मेरी बेटी भी खड़ी होगी, मेरी माँ भी खड़ी होगी, मेरी बहन भी खड़ी होगी उसके सामने। मेरा जो मैंने जो मेरी मार्कशीट है ना, जो मैंने जवाबात लिखे हैं, उन सबके सामने इधर जी खोल दिए जाएंगे। ये जिसको मैं समझ रहा हूँ कि शायद मैं ये जो काम कर रहा हूँ तो मुझे को अम्मी तो देख ही नहीं रही, चल आज तो तेरी अम्मी नहीं देख रही, लेकिन वो दिन आने वाला जिस दिन तेरी अम्मी को भी दिखाया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ शायद मेरी बेटी नहीं देख रही मेरे इस काम को, मेरी बेटी को तो पता ही नहीं मैं कहाँ गया। लेकिन भाई ध्यान रखना, करीब वक्त आएगा जब तेरी बेटी को भी दिखाया जाएगा, देख तेरे बाप ने क्या क्या किया। यौम तुबल सारा है, अल्लाह कहते हैं आज राज खोले जाने का दिन है। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, थोड़ा सा वक्त है बेटा, इसको अच्छे तरीके से गुजारना। दे अल्हम्दुलिल्लाह, दे बांटना इसको, ना दे तो सब्र करना, कोशिश ज़रूर करना, अपने अल्लाह से दुआ भी करना।